चिमटे दी झनकार। चिमटे दी झनकार बाबा। ओ बाबा तेरे चिम अच्युतम केशवम गालो। तो चम लेते हैं केशवम दामो कृष्ण दामोदरम राम लालम नारायणम जानकी बकुले गोविंदलो लाना गोरी है। फिर से गाओ तेरे माँ थे जो बिंदलू तेले बा जो बिंदलू लाना गोरी है दाना डोरी है नूरपुरे दिए नूरपुरे है खतरटी छिचटी है। क्लैपिंग करो अब। तो भाई बानो ने आपको गाने सुना दिए हैं और अभी हम बना रहे हैं खाना। क्या बना रहे हैं? खाना। खाने में क्या बनाना है आज? चिज्जी। रोटी है? फुलके। चिज्जी। चिज्जी बनानी है? नहीं बनानी है। चिज्जी थोड़े बनाते हैं। मम्मा को मार रहे हो गंदी बात। आपके पापा कहाँ गए हैं? दुबई। आप भी जाओगे दुबई? जाएंगे। नहीं जाएंगे आप? मम्मा जाएंगे। मम्मा मम्मा दंडी। तो भाई देखा ना आप लोगों ने, बारी ने आपको दो गाने सुना दिए हैं और यहाँ वक्त है सुबह का और सुबह का मेरा सबसे पहला काम होता है रोटी चढ़ाने का। तो यहाँ पे मैं कौवे को रोटी दे रही हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कौवे को रोटी रखी, फटाक से कौवा आया और अपनी रोटी यहाँ पे खा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जैसे ही मैं खाना यहाँ चढ़ाती हूँ और पक्षी उसको खाते हैं। ये है हमारे गांव का एक सुंदर सा नज़ारा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि खेत जो है हरे भरे हुए दिख रहे हैं। तो गेहूं खेतों में बीज दी है और उग भी गई है और सुंदर लगते हैं बहुत ये खेत देखने में जब भी इनके रास्ते से जाया जाता है। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? तो अभी भी मैं बना रही हूँ ब्लॉग और देखिए यहाँ पे कितना सारा सामान मैंने ऐसे के ऐसे फेंका हुआ है। तो हम कर रहे हैं कमरे की साफ सफाई, मैं और बानू। तो मैंने ये सोफ़ा यहाँ पर लगा दिया है बेड वाली साइड। पहले मैंने यहाँ लगाया हुआ था लेकिन अलमीरा यहाँ पर कुछ भद्दी जैसी लग रही थी तो फिर मैंने इसको साइड में कर दिया, मैंने इसको यहाँ लगा दी। तो मुझे अभी पूरे कमरे की साफ़ सफाई करनी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे लगाया मैंने ये सोफ़ा और ये देखिए इसको चुटकू को, ये कल बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसको दस्त लग गए थे। तो भाई इस वजह से फिर मैं अपना ब्लॉग भी नहीं लेके आई, तो मैं इसकी ही देखभाल करने में व्यस्त हो गई। बाकी अलमीरा मैंने यहाँ को रख दी है दरवाजे के पीछे, ये देखिए। तो ये बिल्कुल अच्छी रहेगी यहाँ पे साइड में, नहीं तो ये ऐसी भद्दी लग रही थी मेरे बानी की। कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे दिख नहीं रही थी, आधी पिक्चर्स इसकी मतलब अलमारी से पीछे आ जाती थी। और ये देखिए इसको चुटकू राम को, इस क्या खा रहे हो आप बेटा? चिज्जी नहीं है ये, चौक है, गंदी बात होती है। और ये देखिए अभी मुझे बहुत साफ सफाई करनी है, मत करो बट बेटा। तो थोड़ी सी सफाई मैंने कर ली है और थोड़ी सी मैं आपके साथ एज इट इज शेयर कर रही हूँ कि किस तरह का। फिर जैसे मैं एक दिन से बढ़िया सफाई कर लूँगी तो फिर मैं आपके सामने जरूर पेश करूँगी कि मैंने किस। और ये देखिए जैसे ही मैं काम कर रही हूँ ये मुझे काम पे काम डाल दिए। देखो यहाँ से उठा के ले गई इस सोफे का कवर और दूसरी साइड चली गई। देखो लगे लगे हाथ, आपको एक झलक अपने पतिदेव की भी दिखा देती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं इनको अपने YouTube चैनल में डाल रही हूँ। वैसे इनका अलग से YouTube चैनल है, आप सभी को पता है, यहाँ वहाँ पे भी ये वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ ये कहाँ जा रहे हैं, आप खुद भी इनके मुँह से सुन लीजिए। तो ये जा रहे हैं फ्यूचर म्यूजियम। एमरेस्ट टावर तक पहुंचा हूं, एमरेस्ट टावर को मैंने यहीं पे ही एग्जिट कर दिया है, मेट्रो से उतर गया हूं और ये हम मुझे जाना है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो इस साइड को है और चलते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की तरफ। बाकी ये लोकेशन भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। जैसे मैं उतरा यहाँ पे, तो उतरने के बाद
ये देखो कुछ इस तरह का है। तो ये जा रहे हैं फ्यूचर म्यूज़ियम में, जैसा कि आप लोगों को इन्होंने बताया है। और अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो इनके चैनल के थ्रू आप लोग देख सकते हो, ट्रैवल विद बिट्टू चैनल इनका है। तो चलिए हम भी देख लेते हैं हम लोग भी यहाँ कहाँ जा पाएंगे, मतलब जो मेरे जैसे हैं अभी जा नहीं सकते, तो हम लोग घर में बैठ के ही इस चीज़ का आनंद ले लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने को और बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारत भी यहाँ पे है, तो भाई मौज है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई, अंदर से फ्यूचर म्यूजियम कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। बाकी टिकट लेने के बाद कुछ और ऑसम चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें, तो अभी तो फिलहाल यही है। बिना टिकट के ही इतना मस्त लग रहा है ये, तो टिकट लेने के बाद भाई क्या क्या लोकेशन पर होगा इसमें ये आप लोगों को वहीं पर पता चलेगा। तो फिलहाल ये आज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी ये चीज़ें, क्योंकि आज टिकट भी नहीं ले रहे हैं हम, नहीं तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। बट आपको यूँ ही बने रहना है कंटिन्यू मेरे चैनल के ऊपर। मैं भी माइक भी मैं ये बोल सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि भी हाँ मैं नेक्स्ट वाला ब्लॉग इस पर डालूंगा। बट हाँ, बहुत ही जल्द हो भी सकता है कि नेक्स्ट वाला ब्लॉग इसके अंदर का मिले आप लोगों को। ये देखिए, ये इस तरह से लिफ्ट लेके अंदर जाते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ प्राइस वगैरह भी कंफर्म करके बताता हूँ यहाँ पे कि कितना प्राइस है इसका, फ्यूचर म्यूजियम का टिकट का कितना रेट है। तो ये देखिए, ये मशीन्स लगी हुई है फ्यूचर म्यूजियम की, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सैटरडे जनवरी 6, 2024 को, सॉरी वी आर सोल्ड आउट ऑफ टूडे। तो ये मशीन कुछ ख़राब है, बट यहाँ पे देखो ये शायद मे भी कंटिन्यू इंग्लिश आप ले सकते हो। और ये है एंट्री फीस, देखो यहाँ पे 149 AD, तो ये फीस है फ्यूचर म्यूजियम की। बाकी ये कुछ जानकारी भी है, आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे यूजिंग कार्ड भी है, आप यहाँ पे कार्ड वगैरह को यूज करके भी मतलब यहाँ से टिकट अपनी ले सकते हो। तो ये है कुछ इस तरह से। बाकी ये देखो, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये टिकट लिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी अपना अपना टिकट ले रहे हैं यहाँ से, एंट्री टिकट ले रहा है। और एंट्री टिकट लेना मतलब कंपल्सरी है, बिना एंट्री टिकट के मतलब आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा फ्यूचर म्यूजियम्स का। तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मैंने पतिदेव की भी झलक दिखा दी और जो जो मैंने क्लिप्स लिए